सर पंग न्यू आईजीएल बट बेस्ट बनेगा लग रहा है मुझे तो यार। पंग का कॉन्फिडेंस तुम देखना यार, बहुत बढ़िया। मतलब ये बंदा बहुत अच्छा कॉन्फिडेंटली चलता है कि भाई वो अगर खेल रहा है और वो अगर क्वालिफाई नहीं भी हो रहा है या फिर क्वालिफाई हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल क्वालिफाई नहीं भी हो रहा है तो भी उसको पता है कि मैंने अपने हाथों पे जितना भी बनते थे जितना भी मैक्सिमम कोशिश करना था वो कोशिश कर भी रहा है, और वो मेरे को भी पता है, मेरी टीममेट्स को भी पता है। और क्वालिफाई नहीं हुआ तो भी दे विल नॉट बी रिग्रेटिंग इट बिकॉज दे हैव डन द बेस्ट विच इन देयर हैंड्स दे वर एबल टू और केपेबल ऑफ टू डू। और ये मैंने हिंदी में कैसे डाल सकता मेरे को पता नहीं, बट उस चीज में मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट लगा। एंड आई थिंक पंग बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और ही इज अ वेरी काइंड हार्टेड वेल मेंटेन्ड, और क्या बोलूं, मतलब एक ऐसा बंदा है जो जिसका दिल में कुछ है नहीं, बस उसको करना है और सबसे प्यार है और सबसे अच्छे से रहना है बस, पर उसको अपना जो टीम पे लेके आना। ओमेगा का डेडिकेशन, ओमेगा का डेडिकेशन भी यार काइंड ऑफ पंग जैसा ही है, चिल है, उसको करना रहता है, वो करना है, उसको करके दिखाना है। ओमेगा पंग से कंपैरेटिव ओमेगा को थोड़ा और इजी हो जाता है ये डेडिकेशन लाना बिकॉज उसको हमेशा टोचते रहता है कुछ ना कुछ, बिकॉज मेन चीज फैन फॉलोइंग वाला टीम होने की वजह से उसको हमेशा वो एक जो एक यार तुझे करना पड़ेगा, यार तुझे करना पड़ेगा बोलते कि तू कर, नहीं तो भाई प्रावधान मारेगा, मतलब तुझे कर तू कर तू कर ऐसा टोचते रहते उसको बिकॉज दे आर द टॉप मोस्ट फैन बेस्ड टीम ब्रो। तो उसको वो चीज नहीं करेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा करके उसको पता है, तो वो बार बार वो उस पॉइंट पे आएगा कि यार बेचो अब लोग बेचेंगे यार साला, इनको तो दिखाता हूँ मैं। अब फिर बेलता है ना, फिर कुछ ना कुछ लेके आता है, फिर कुछ ना कुछ और ट्राई हार्ड करता है और लाता है। बट कंपेयर टू दैट विद पंग, उसको देखने वाला कोई नहीं यार, उसको कौन करने वाला। अरे पंग क्वालिफाई नहीं हुआ, नहीं हुआ माचुदा, यही है यार खत्म। उसको ये नहीं बोलने वाला, अरे यार तू कर नहीं, उसको खुद को करना पड़ेगा। पंग का ऐसा सीन है, उतना ही डिफरेंस है, बाकी तो दोनों सेम ही है, दोनों अपना इक्वल बेस्ट देता है।